नमस्कार भाई और बहनों, भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि हम लैपटॉप की हार्ड डिस्क कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम उसकी लैपटॉप की हार्ड डिस्क को चेंज करते हैं, मार्केट से हम नई हार्ड डिस्क परचेज करते हैं और लैपटॉप की कैसे निकालते हैं और कैसे उसको फिट करते हैं। तो ये हम नैर प्लेस से परचेज करके लाए, ये 500 GB हार्ड डिस्क है। अब इसको हमने कैसे लगाना है, ये लैपटॉप है। अब लैपटॉप को हम उल्टा करेंगे, तो आप देख रहे हो ये सोनी का लैपटॉप है वायो, और PCG 6121W ये इसका मॉडल है। इसको क्या करना है, आप ये देखोगे एक तो डब्बी इसकी ये है, इसको खोलना है आपको। तो ये डब्बी खोल कर देखते हो तो इसके अंदर अगर रैम है तो वो उसको छोड़ दो, ये हार्ड डिस्क वाला है। तो इसको हम इसके पहले नेट खोलेंगे सारे, जैसे नेट है इसमें, उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे ट्रे को। थोड़ा ध्यान से खोलना है जिससे ख़राब ना हो। तो आप देखोगे कैसे हम इसको निकालेंगे, ये आपने देखा हमने इसका नेट खोल दिया है। फिर इसको कैसे निकालना है, ये जिसके ऊपर नेट लगे हुए हैं ये किया है, ये है, इसको बाहर निकालना है। और फिर इसको निकालते कैसे हैं मैं अभी बता रहा हूँ। ऐसे निकालेंगे इसको, आगे से धक्का देंगे और पीछे से इसको ऐसे उठा लेते हैं, ना कि ऊपर से पीछे, क्योंकि आगे इसके लॉक होते हैं, लॉक में फंसा होता है इस हार्ड डिस्क को। फिर हम क्या करते हैं, इसको कवर को भी खोलते हैं। ये जो कवर है ये तोशिबा की हार्ड डिस्क है, इस कवर को खोल कर हम इधर में, या तो आप डायरेक्ट भी ऐसे, अगर कवर नहीं है तो इसको हमने इस हार्ड डिस्क को लाए और इसमें लगा दिया। तो ऐसे हम ये हार्ड डिस्क फिट करते हैं और फिर इसके स्क्रू सारे ये लगा देते हैं। ये पूरा बताना है ना कि, और ये सारे ऐसे हम लैपटॉप की हार्ड डिस्क को चेंज करते हैं और रिप्लेस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।